गाइस वेलकम बैक। कल्कि का ट्रेलर ड्रॉप हो रहा है अब से थोड़ी देर में, लेकिन कुछ रिएक्शंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, बट ऐसा है, ऐसा हो रहा है। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट कि ये रिएक्शंस कहाँ से आ रहे हैं और ये सब आखिर चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे, क्या ये रियल है, क्या ऐसा है कि फिल्म का जो एक ट्रेलर का प्रीव्यू था वो कुछ लोगों को दिखा दिया गया, वहां से रिएक्शंस आ रहे हैं, कैसा होता है। तो थोड़ा सा अनरेबल करेंगे इसको, थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं भाई, रैम्पेज मोड चल रहा है, रैम्पेज मोड चल रहा है। ये मैंने अभी अभी एक विजुअल देखा है, ये मास रैम्पेज एट ब्रह्मारंभ थिएटर, रेबल्स आर ऑन फायर, प्री रिलीज इवेंट इन अमरावती, बिग वे, लोग बाहर खड़े हैं थिएटर्स के बाहर, भाई जैम पैक्ड भीड़ है, हाथों में पोस्टर्स हैं, किसी के हाथ में फ्लैग्स हैं, लोगों के पास अपने अपने मोबाइल फोन से सब लोग रिकॉर्डिंग वगैरह सब कर रहे हैं। अब ये देखना यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग्स ये स्क्रीनिंग्स में जाकर ना करें, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन भाई बड़े बड़े पोस्टर्स लग चुके हैं, बहुत बड़े बड़े बैनर्स ऑलरेडी थिएटर्स के बाहर लग चुके हैं। संध्या थिएटर के बाहर लोगों की जबरदस्त वाली भीड़ है। संध्या MM बहुत फेमस सिंगल स्क्रीन है, पुराना है काफ़ी थिएटर वहाँ का, साउथ का, अब एग्जैक्टली तो मुझे सिटी नहीं पता है, मोस्ट प्रॉबेबली ये शायद हैदराबाद ही है। फायरवर्क्स आर गोइंग ऑन, फायरवर्क्स अलग चल रही हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अभी से ट्रेलर के रिएक्शन आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो भाई कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि कुछ प्रिव्यू उन्होंने देखा है ट्रेलर का, एंड दैट इज माइंड ब्लास्टिंग। अब मुझे इतना कहना है कि जब मेकर्स ऑलरेडी अभी इस इवेंट की तैयारियां कर रहे हैं, इस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इनफैक्ट नाग अश्विन ने अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी भी डाली इंस्टाग्राम पे सेइंग इट्स टेकन अ लॉट टू रीच टुडे बट आई होप इट विल बी समथिंग वी कैन बी प्राउड ऑफ एज तेलुगु पीपल, एज इंडियंस, एज मूवी लवर्स। आई लव द फैक्ट दैट ही हैज सेड तेलुगु पीपल एज इंडियंस एंड एज मूवी लवर्स। आवर होल टीम इज वेटिंग टू शेयर दिस वर्ल्ड विद यू। कल्कि 2898 AD ट्रेलर 10th जून रिलीज 27th जून एंड वी सी अ विजुअल जिसमें एंटायर टीम जो है वो बैठी है, एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन है और सारी तैयारियां बैक एंड पर वो लोग कर रहे हैं। तो जब ये सब चल रहा है तो ये कौन है वो लोग जो प्रीव्यू देख सकते हैं, जिनके पास प्रीव्यू का एक्सेस है, क्योंकि मेकर्स बहुत सिक्योर होकर चल रहे हैं, वो हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं कि कहीं कोई लीक्स तो नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रीव्यूज आखिर देख कौन रहा है भाई, कौन है जिसके पास एक स्पेशल एक्सेस है। सो ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ये सब हवाबाजी है, थोड़ी हवा बनाने वाली भी चीज़ है। यहाँ पर PR एजेंसीज भी काम आती हैं और काइंड ऑफ PR एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें एक तरीके से एक नैरेटिव पहले से सेट आ जाता है कि भाई साहब बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है और अभी से रिएक्शंस आ गए। एंड आई एम श्योर कि ये जो अच्छा ये जो धमाकेदार रिएक्शन दिया है ना, वो धमाकेदार रिएक्शन आएगा, वो सच में धमाकेदार होगा, लेकिन ये किसी ने पहले से देख लिया है वो मैं थोड़ा सा बाय करने से चूक रही हूँ। आई कांट बाय द फैक्ट कि किसी ने पहले ही देख लिया है। और ये भी कई बार क्लैरिफिकेशंस जो है वो मेकर्स कर देते हैं, कर चुके हैं कि वी डू नॉट शो एनी प्रिव्यूज एनीथिंग टू एनीबॉडी बिफोर द ऑफिशियल रिलीज। उससे पहले जो भी ये न्यूज़ आती है ये कुछ ना कुछ काइंड ऑफ यू कैन से कि लोगों की अपनी बनाई हुई खबर है, लेकिन ऑल इन अ गुड स्पिरिट, ऑल इन अ गुड स्पिरिट, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। वो नेगेटिव जो है वो अगर चली जाए तब गलत होता है, लेकिन अभी तो भाई सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। इट्स गोइंग मैड क्रेजी, दो दो घंटे के पोस्टर आ रहे हैं भाई, एक एक घंटे का पोस्टर आ रहा है। अब वैजयंती मूवीज की तरफ सबकी ये निगाहें टिकी हुई हैं कि तुमने अगर पिछली बार की तरह हमें इस बार रुलाया, थोड़ा भी डिले किया एक सेकंड का भी ना भाई, फिर तुम देख लेना कर। हालांकि कोई कुछ भी नहीं सकता, हम भी इधर ही बैठे हैं, सब अपने अपने अड्डों पर बैठे हैं, कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन हाँ, सबको एटलीस्ट ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम वैजयंती मूवीज कि उन्होंने जो बोला उसी समय पर चीज़ों को रिलीज किया, उसी टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर रिलीज किया। अभी मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, संध्या MM के बाहर बहुत भारी भीड़ है, लोगों के हाथ में जो सेलफोन्स हैं, क्या ये सबब बन सकते हैं ऑफ मोर लीक्स? यस, ये मैंने सुबह के वीडियो में भी बोला था, ये मैं अभी भी बोलूंगी कि या तो अगर स्क्रीनिंग्स हो रही हैं तो मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं होने चाहिए, अगर अलाउ कर रहे हो तो भाई फिर 7 बजे की जो डिजिटल रिलीज है उससे पहले ही सोशल मीडिया पट जाएगा विद पिक्चर्स, इमेजेस, लीक्स, इवन वीडियोज ऑफ द ट्रेलर, एंड दैट विल बी अ मेजर मेजर लेट डाउन एंड स्पॉयलर। तो जो भी लोग जाएंगे मैं आपसे इतना ही कहूंगी, अगर किसी लीगल ट्रबल में नहीं पड़ना चाहते हो, कहीं फंसना नहीं चाहते हो, तो ये सब हरकतें मत करना कि उठाकर आप वीडियो उसका बनाकर और उसको कहीं पे चेप दो जस्ट फॉर सम सेक ऑफ सम मनी और समथिंग। डू नॉट डू दैट, इट विल बैकफायर, बहुत बुरा बैकफायर करेगी। मेकर्स बहुत तैयार बैठे हुए हैं इस बार, ये वो वाले पिछले टाइम वाले मेकर्स नहीं है जो कि ठीक है यू नो होने दो जाने दो, नहीं, दे आर डूइंग इट विद देयर ओन, मतलब अपनी सिक्योरिटी और सब चीज़ें, हर चीज़ों पर वो नज़र लगाए हुए हैं। अब देखो एक और मैं यहाँ पर
ट्वीट देख रही हूँ जिसमें किसी ने लिखा है द कल की ट्रेलर हैज बीन वॉच्ड एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू. आई एम श्योर द स्केल इज ग्रैंड, द वीएफएक्स इज टॉप नॉच एंड व्हाट हैज टेकन माय हार्ट इज कमल हसन लुक. इट इज नाग अश्विन टेक अ बाउ ऑलरेडी. ये किसने लिखा है? अब मैं नाम रिवील नहीं करूंगी, लेकिन ये अच्छे टेस्ट में है, ऐसा नहीं कि ये नेगेटिविटी है, लेकिन भाई ये कौन लोग हैं जिनको पहले से एक्सेस मिल रही है? ये कौन लोग हैं जिनके केवल 715 फॉलोअर हैं और जो मुंबई में बैठे हुए हैं और जो ऑलरेडी मतलब ट्रेलर देख रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इसमें कमल हसन का लुक क्या जबरदस्त लुक है. एंड टू ऐड हेयर टू ऐड दैट देयर आर दीपिका पादुकोण एंड सीनियर बच्चन्स लुक्स एंड कैरेक्टर. भाई ये सभी को पता है. आई वुडंट बी शॉक्ड इफ दे ऑलरेडी क्रिएट अ ह्यूज बज आफ्टर द फिल्म बिकॉज दे आर लिटरली गिविंग ड्रामा मैक्स प्रो. भाई ये भी कोई जेनरिक सा ट्वीट है. एंड फाइनली प्रभास, इफ यू हैव लव्ड व्हाट इज रिलीज्ड देन यू आर ओनली गोइंग टू लव व्हाट द ट्रेलर इवन मोर. ट्रेलर इज स्क्रीमिंग ब्लॉकबस्टर. ये तो अच्छा तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये मनगढ़ंत लगता है मुझे. ही इज एन ऑथर एट ओके सो दिस गाय इज एन ऑथर एट मिस मालिनी. ओके ये मैंने अभी देखा है, लेकिन मुझे फिर भी शक है कि क्या मिस मालिनी के ऑथर को पहले से ट्रेलर दिखा दिया जाएगा? क्या मीडिया के लिए प्रिव्यूज ऑलरेडी हो रहे हैं? आई रियली डाउट, क्योंकि हो रहे होते तो और बड़े बड़े जितने भी रिव्यूअर्स हैं सबके रिव्यूज आ जाते यार. सो आई रियली डाउट. तरण आदर्श का कोई रिव्यू अभी तक नहीं आया है, हिमेश का कोई रिव्यू नहीं आया है. पीपल आर वेटिंग एंड आई थिंक एवरीबडी इज वेटिंग. तो अभी देखते हैं दिन में, अभी देखते हैं थोड़ी देर में क्या कुछ होता है. भाई अगर आप साउथ में हो और अगर आप इसी किसी इवेंट पर गए हो, प्रीमियर देखने गए हो, तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बात करना. बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो थम्स अप, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स.